आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, सनातन खतरे में है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, वहाँ फिर आप बताइए कहाँ से आ जाता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है कि सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो गरीब लोग आरक्षण कहाँ मांगेंगे? संविधान खतरे में है। ये पहले बताइए, पिछड़ी अनुसूचित के लोग सिर्फ दान करेंगे कि उनको पूजा में भी आरक्षण चाहिए, मंदिर में भी आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारी विडंबना तो ये सरकार ही ने पैदा किया है। भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस सम्मेलन का जो छोटा मोटा कार्यक्रम किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। इस संगठन का मेन उद्देश्य है बीजेपी सरकार को हटाना। बीजेपी सरकार अगर रही देश में, फिर अगर दोबारा सरकार बने तो देश निश्चित रूप से गुलाम हो जाएगा और गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। मानववाद व्यवस्था लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इस नाते यह संगठन का मेन मकसद है कि सबको इकट्ठा करके और बीजेपी सरकार को हटाया जाए। जो हमारे पिछड़े अनुसूचित गरीब भाइयों का जो हक काट करके पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, वो सारी सिस्टम बंद हो जाए और जो सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं उससे हमारे संविधान को खतरा है, उससे हमारा संविधान लुप्त होता जा रहा है, जिससे हमारे पिछड़ी और अनुसूचित भाइयों को सुविधा संविधान के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी बात कहते हैं आप लोग कि संविधान को खतरा। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि संविधान हमारा खतरे में है? इतनी आसान चीज़ है कि संविधान खतरे में चला जाए? आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, सनातन खतरे में है? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, वहाँ फिर आप बताइए कहाँ से आ जाता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म खतरे में है? क्यों नहीं, जब यही 85% वाले हिंदू ही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो उन 15% को लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है? रुकिए, सनातन धर्म में समानता बता दीजिए आप। पूजा करेगा मंदिर में सिर्फ एक कोई व्यक्ति विशेष, दान का सिर्फ, ये पहले बताइए, पिछड़ी अनुसूचित के लोग सिर्फ दान करेंगे कि उनको पूजा में भी आरक्षण चाहिए, मंदिर में भी आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारी विडंबना तो ये सरकार ही ने पैदा किया है। ये सरकार अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो कह रही है कि नहीं सनातन धर्म खतरे में है, तो पहले धर्म का संशोधन करे, पहले धर्म में समानता लाए, धर्म में एकता दिखाए, उसके बाद अगर वो बात करती है कि लोग नहीं मानते हैं, तब तो पब्लिक दोषी होगी। अभी तो सरकार दोषी है। सरकार मान लीजिए एक व्यक्ति विशेष को अधिकार देती है पूजा करने को, एक व्यक्ति विशेष को अधिकार देती है धर्म का रक्षा करने को, तो ये सारी चीज़ें तो सरकार की जिम्मेदारी है, मनुवादियों की जिम्मेदारी है। हम आपसे पूछते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? आप जरा हमको सवाल का जवाब दीजिए। क्या भगवान ने बनाया, राम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया? नहीं, यहाँ के मनुवादियों ने बनाया। तो ये सारी जो विडंबनाएं हैं, जो पहले प्रताड़न की जो इन लोगों के अंदर भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाए, उसके बाद समानता लाया जाए, तब इसके बाद अगर हिंदू धर्म पर खतरा है तो खतरा माना जाए। संविधान खतरे में क्यों? संविधान खतरे में इसलिए है कि सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो गरीब लोग आरक्षण कहाँ मांगेंगे? संविधान खतरे में है, वहाँ से खतरे में है। दूसरे चीज़, जब हिंदू मुस्लिम होगा, जहाँ संविधान के हिसाब से हिंदू मुस्लिम हर धर्म का यहाँ सम्मान करने का अधिकार है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम करके आडंबर को फैला के संविधान से लोगों को हटाया जा रहा है, लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक संविधान के बारे में नहीं जानेंगे। अभी आप मंच से कह रहे थे कि पूजा पाठ मत करिए, पूजा पाठ मत करिए, ये अलग बात हो गई। आप अपने समाज को शिक्षित बनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को पूजा पाठ ना करने के लिए मना थोड़ी ना। मैं पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं किया, मैं किसी के श्रद्धा या किसी के उत्तु पे ठेस नहीं पहुंचाया, मैंने मना भी नहीं किया, मैंने आडंबर को मना किया। मैं जैसे आडंबर में मैंने आपको बता दिया, अभी मेला लग गया, वहाँ कोई थोड़ा सा एक व्यक्ति कोई धूल और रगड़ करके कुछ रख दिया, तो पता चला कि हमारी 50 महिलाएं वहाँ हाजिर हो गई, 50 लोग हाजिर हो गए। मैं उस चीज़ को न मानने के लिए मैंने कहा कि आप ऐसी चीज़ को आडंबर को ना मानो। जैसे छठ पूजा को आप ले लीजिए, छठ पूजा एक सूर्य पूजा है। जब घर में हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग जब नहा करके एक लोटा पानी पहले से देते हैं, परंपरा चली आ रही है, तो आज नया जो RSS की नीति है छठ पूजा, जो मान लीजिए कि 4 घंटा जा करके हमारे माताएं बहनें आडंबर के पीछे नवदान में खड़ी रहे, डबरा में खड़ी रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सूर्य पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शिव की पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राम कृष्ण किसी की पूजा ना करिए। इन सब सारी चीजों के पीछे आप आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं आप लोग। आरएसएस एक वो है, टाड़ा है इस देश के लिए। आरएसएस टाड़ा है। आरएसएस के जी में देखिए जितने आरएसएस वाले हैं, न तो उनके पास बाल बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उठा लीजिए, उनके पास बाल बच्चे नहीं है। तो जितने आरएसएस वाले हैं न तो उनके पास बाल बच्चे हैं, उनका सिस्टम यह है कि हमारे लोग मानसिक रूप से कैसे गुलाम रहेंगे, इसलिए वो एक एक तहजीब निकालते रहते हैं और लोगों के बीच में भेजते रहते हैं। वो तो कहते हैं हम झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे, उन्हें क्या चिंता है कि हमें धन इकट्ठा करना। तो सही कह रहे हैं, झोला ही पहले बताइए, झोला लेकर आए थे, देश को बेच दिए, अब झोला उठाएंगे चले जाएंगे। संघर्ष करेगी देश की जनता, संघर्ष करेंगे यहाँ देश के जो समझदार लोग हैं, अब उनको संघर्ष करना पड़ेगा। वो तो झोला लाए और अपना देश बेच के चले गए। ये पहले बताइए, हवाई जहाज बिक गई, ट्रेन बिक गई, LIC बिक गई, स्टेट बैंक बिक गया, यूनिवर्सिटियाँ बिक गई, जितने सरकारी कॉलेज हैं वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। आप बताइए आरक्षण किस आधार पे हम लेंगे? तो आरक्षण का सत्यानाश नहीं हो रहा है, आरक्षण को लुप्त नहीं किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? आरक्षण खत्म करने की भी बातें चल रही है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। हाँ, आरक्षण खत्म करने की बातें की जा रही है। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, 142 सांसदों को जो बर्खास्त किए गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, बहुत उसमें सांसद वहाँ गए भी नहीं थे और उनको बर्खास्त कर दिया गया। आप इसको क्या सोच रहे हैं? आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ही बताइए इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? वहाँ सांसदों को 5 लाख जनता खड़ा होकर के वोट देती है तो सांसद बनते हैं। अब 5 लाख हर क्षेत्र से 5 लाख जनताओं का अधिकार का हनन किया गया, आप बताइए संविधान खतरे में है नहीं है तो फिर कहाँ है? अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, रुकिए मैं बता रहा हूँ, अभी बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लक्ष्मण यादव प्रोफेसर है, उन्होंने क्या किया? सवाल वही, तुम्हें सवाल कर वही वो, उन्होंने वही कहा जो इनकी गलत नीतियाँ हैं उसको उन्होंने उजागर किया। जो इनकी गलत नीतियाँ आडंबर है, गलत नीतियाँ मंदिर बनवाना है, कंपनी बनवाना नहीं है, गलत नीतियाँ बच्चों को पढ़ाना नहीं, राशन देना है, ये सारी इनकी गलत नीतियों का उन्होंने विरोध किया। विरोध करने का परिणाम ये हुआ, तो इनकी तो नीतियाँ चले आ रही हैं, जनता भी देख रही है और लोग जान भी रहे हैं कि जो अच्छा बोल रहा है, जो रोड पे इनका विरोध कर दिया उसको सीधे ईडी और CDI लगा करके अंदर डाल देंगे। तो इनका तो ये चल रहा है। प्रोफेसर को बाहर करने का निर्णय यूनिवर्सिटी का हो सकता नहीं, इसमें सरकार का दोष देंगे आप? सरकार सिटी का निर्णय को आदेश कौन देगा? यूनिवर्सिटी को आदेश तो सरकारें देगी ना साहब, आप ये भी तो जानिए। तो सरकार के कहने पे उनको हटाया गया? सरकार के कहने पे हटाया गया। सरकार तो सबको गवर्नर करती है ना, तो ये सरकार के कहने पे किया गया। दूसरी चीज कि यह सरकार शुद्ध रूप से सबको दबा करके गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है, देश को यह सरकार फिर एक बार गुलाम करना चाहती है। अंग्रेजों से, अंग्रेज आज रहे होते तो अंग्रेज जो सुविधा दे करके गए, अंग्रेजों से हमारे पिछड़ी अनुसूचित या गरीबों को परेशानी नहीं थी, अंग्रेजों से ईमानवादियों की परेशानी थी, तब अंग्रेज भगाओ अभियान ईमानवादियों ने चलाया था। इतनी कोशिश आप लोग लगातार कर रहे हैं कई सालों से और जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुआ और परिणाम ये आया कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहाँ पर कांग्रेस थी वहाँ पर भी भाजपा बन गई, तो फिर कैसे नहीं लोग जाग रहे? जिम्मेदार जो पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं जो BJP में है, उसके जिम्मेदार वो हैं। अगर उनको कहा गया कि आप कब बोलो तो कब बोले, कब बोलने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तो उसके जिम्मेदार अगर सरकार BJP की चल रही है या ऐसे पब्लिक PC जा रही है तो वो पिछड़ी अनुसूचित के नेताओं की देन है। इसलिए मैंने जनता से भी आग्रह किया, आप लोगों से भी मैं बता दे रहा हूँ सच्चाई जो सच्चाई है, अगर पिछड़ी अनुसूचित के नेता आज, जितने पिछड़ी अनुसूचित के नेता BJP में हैं, आज अगर इस्तीफा दे करके हट जाए तो आज सरकार गिर जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप यहाँ की कुर्सी वहाँ उठा के करो, वहाँ का चप्पल वहाँ उठा के करो, ये उनकी ड्यूटियाँ हैं। और ये कहा जाता है कि अब जाओ अपनी जात को तोड़ो, चूँकि जात प्रथा ज़्यादा चल रही है आजकल, जात मान लीजिए कि जातवाद ज़्यादा है और ज़्यादा होना भी चाहिए, तो उसी आधार पे मैं 1580 को भी अलग करना चाहता हूँ। हक हिस्सा हमें मिल रहा है तो फिर हम क्यों दूर हटे? MP में देख रहे हैं आपकी मोहन यादव को CM बना दिया गया और एक शुक्ला को और एक SC कास्ट समाज के थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो जब हक हिस्सा मिल रहा है तो फिर क्यों वहाँ से दूर हटे? अब छोटी दो चीज़ में मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरी बात, यह सरकार सारी चीज़ों पर आमदा हो जाती है चुनाव जीतने के लिए। अभी AVM में जो इसने उन्होंने फाल्ट किया, कितने AVM पकड़े गए? चुनाव जीतते हैं तब तो आप EVM की बात, उसके पहले भी हम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारी ये भी मांग है
कि अभी अभी हमसे चुनाव ना हो। यह सरकार पूरी पब्लिक देखी है, पूरी प्रेस मीडिया देखी है, न तो एक बार भी चुनाव आयोग बोला है, न तो सुप्रीम कोर्ट बोला है। यह सारे लोगों को खरीद चुका है। गोदी मीडिया क्या है? आप भी एक मीडिया वाले हैं। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया बीजेपी की पीठ लगू है, खरीदी हुई है। उसी तरह से ये सारे तंत्र को खरीद लिया है। ये अपने चुनाव जीतने के लिए पब्लिक के चुनाव से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं जीते हैं। ये अगर चुनाव जीते हैं तो ये भी हम के बल पे जीतते हैं, अपने दबंगई के बल पे जीतते हैं और लोगों को डरा धमका के पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं, पब्लिक के आधार पे नहीं जीतते हैं। इसलिए मैं अपने नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आने वाला 2024 के चुनाव में अगर आप सावधान नहीं हुए तो मनुवाद से लड़ने के लिए सावधान हो जाओ। हमारा जो पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि इस समाज का विकास हो? शिक्षा है, और वह सरकार शिक्षा को महंगी करती जा रही है और राशन देती जा रही है। अब आप जरा हमको बता दीजिए कि सरकार किस रूप से जनता को गुलाम नहीं बनाना चाह रही है। सरकार का विकास जब शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तब जा करके सरकार से जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तब जा करके पिछड़ी अनुसूचित के लोगों का विकास होगा। तो हमारे पिछड़ी अनुसूचित के लोगों को सबसे पहले जरूरत शिक्षा का है, उसके बाद रोजगार की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ सरकार कहाँ दे रही है? सरकार तो मंदिर बनवा रही है, तो ब्लॉक पे मिट्टी ले जा करके लोगों से पुजवा रही है, तो सरकार तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन रोजगार के सवाल पे या रोजगार मेला या रोजगार संविधान मेला, ये सारी चीज़ें कहाँ कर रही हैं? तो इस नाते मेरा कहना है कि इस सरकार में संविधान खतरे में है, पिछड़ी अनुसूचित खतरे में है। बिल्कुल, और भी तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे सम्मेलन में शामिल होने के लिए, दूर दराज से, देवरिया के अलावा और कई जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अभय नंदन बर्नवाल, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं हम, और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या आप अभी आप लोग यहाँ पर थे, मंच पर थे, और क्या कोशिश आप लोगों ने की, जो भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उन्हें जगाने के लिए क्या कोशिश की आप लोगों ने? हम लोगों ने लोगों को जगाने के लिए सबसे पहला ये चीज़ कहा कि भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई नेता कोई पार्टी आपको सबल नहीं बना सकती, आपके दुख दर्द को दूर नहीं कर सकती जबकि आप जब तक आपके बच्चे शिक्षित ना हो। तो यदि आप चाहते हैं आपका ये गरीबी खत्म हो या आपका दुख खत्म हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को, चाहे आप आधा पेट खाएं लेकिन बच्चों को शिक्षा दें। ये ज़रूरी नहीं, यहाँ बहुत बूढ़े लोग बैठे थे, हमने कहा उन लोगों से कि ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, इसके बाद आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, क्रमशः ये दुनिया चलती रहेगी, दुनिया रुकने वाली नहीं है। तो इसके लिए आज यही संकल्प लेकर के आप लोग जाएं कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे चाहे आधा पेट खाएंगे। और अभी आप कह रहे थे कि पूछ रहे थे यादव जी से कि मोदी जी कहते हैं झोला लेके आए हैं, झोला लेके जाएंगे, वो तो सारे लोगों ने सुना, कोई बचा नहीं हो। तो मंथरा ने क्या कहा था, कोई रिपोई मोही कहानी, छेड़छाड़ ना हो खबरानी, परिणाम क्या निकला, अयोध्या खत्म हो गई। मंथरा ने यही ना कहा था ना, तो मंथरा हमारे दरवाजे तक आ गई है, बस परिणाम का इंतजार है कि इस देश का परिणाम कब आएगा। मंथरा तो पहुंच गई हमारे दरवाजे तक, लेकिन फिर से नई अयोध्या बनने जा रही है, प्रधानमंत्री ही तो बनवा रहे हैं ना, तो उसके बाद नया ही ना बनेगा। फिर रामचंद्र जेल से जब आएंगे, लौट के जंगल से आएंगे, तो फिर नई अयोध्या बनेगी। लेकिन मंथरा हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, इसके लिए आप लोग भी जागरूक करिए लोगों को कि लोग सावधान हो जाएं, मंथरा हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है।